हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलवेज डिनर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले पीच रिपोर्ट किस तरह से आप पता कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप स्मॉल लीग की टीम बनाते हो, मेगा लीग की टीम बनाते हो, ग्रैंड लीग की टीम बनाते हो, मिनी ग्रैंड लीग की टीम बनाते हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपको पीच रिपोर्ट सटीक पता चले। अगर आपको पीच रिपोर्ट 90% भी अच्छी तरह से पता चल जाती है तो आप बेहतरीन टीम बना सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग अगर पिच रिपोर्ट नहीं देखते हैं तो उनकी टीम भी आप देख सकते हैं। काफ़ी सालों से मेहनत करते हैं ग्रैंड लीग विन करने की, लेकिन वो पिच रिपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जो भी पिच रिपोर्ट पे ध्यान देता है, जैसे कि उसे पता है कि इस पिच पे जो है वो हाई स्कोर कितना बना है, लोएस्ट स्कोर कितना बना है, पिच पे बॉलर्स चले या फिर स्पिनर चले या फिर पेसर चले, साथ ही साथ पिच पे बैट्समैन को सपोर्ट मिला या फिर बॉलर्स को सपोर्ट मिला, अगर ये सब कुछ पता हो तो आप जो है बहुत ही अच्छी तरह से टीम बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, बेस्ट पार्ट होता है पिच रिपोर्ट जानने का कि आपको आपने देखे बराबर आपको पता चलना चाहिए कि इस पिच पे बैट्समैन चले गए या फिर बॉलर चले गए। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले पिच रिपोर्ट आप किस तरह से पता कर सकते हैं, कौन सी ऐसी वेबसाइट है, कौन सी ऐसी ऐप है जहाँ से आप इजीली पता कर सकते हैं, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने हर वीडियो में आपको पिच रिपोर्ट के साथ हमेशा ये भी बताता हूँ कि पिच पे बैट्समैन चले गए फिर बॉलर चलेंगे या फिर पेसर्स ने लास्ट मैच में कितने विकेट निकाले थे, स्पिनर ने कितने विकेट निकाले थे, एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर क्या है, सेकंड इनिंग का स्कोर क्या है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अगर बात करेंगे तो पिचेस कितने प्रकार की होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रल पिच काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है तो ये पिच भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर बात करेंगे, ड्यू फैक्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ड्यू फैक्टर बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, उन्हें समझ में नहीं आता कि ड्यू का मतलब क्या होता है और ड्यू का इम्पैक्ट क्या बॉलर पे पड़ता है या फिर बैट्समैन को पड़ता है। तो एक तरह से बैट्समैन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है जब भी ड्यू पड़ता है। देखिए दोस्तों, जनरली जो पिचेस होते हैं, तीन तरह के पिच होते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी नीचे में चलते हैं। क्रिकेट में पिच का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। आपने हमेशा देखा होगा जब टॉस होता है तो टॉस के सिर्फ 2 सेकंड के अंदर जो है वो कैप्टन जो है वो डिसाइड करता है कि उसे बैटिंग करना है या फिर बॉलिंग करना है। लेकिन 2 सेकंड डिसाइड करने के पहले वो पिच पे जाके पिच को चेक करते हैं कि पिच किस तरह से बिहेव कर सकती है। पिच पे अगर ग्रास है तो फिर बॉलर्स को सपोर्ट मिलेगा, डस्ट है तो स्पिनर को सपोर्ट मिलेगा, या फिर फ्लैट पिच है तो फिर बैट्समैन को सपोर्ट मिलेगा। ये सब जानने के बाद ही जो है वो सिर्फ 2 सेकंड के अंदर वो टॉस में बैटिंग लेना है या फिर बॉलिंग लेना है वो डिसाइड करते हैं। तो इसी तरह हमें भी पिच रिपोर्ट जाननी चाहिए। देखिए दोस्तों, मोस्टली अगर देखा जाए तो पिचेस जो होती है वो 4 तरह की पिचेस पाई जाती है। सबसे पहली जो पिच होती है द फ्लैट ट्रैक, जिसे हम कहते हैं डेड पिच। उसके बाद अगर सेकंड बात करेंगे द ग्रीन ट्रैक, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे हरी वाली पिच, जहाँ पे जो है हरियाली होती है, मतलब ग्रीन ट्रैक जिसे हम कहते हैं। उसके बाद डस्टी ट्रैक होती है जिसे हम सॉफ्ट पिच कहते हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे बैलेंस पिच, जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट भी बैलेंस पिच को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि ये बैट्समैन को भी सपोर्ट करती है और बॉलर्स को भी सपोर्ट करती है। तो इन चारों पिचेस को हमें जानना होगा, ठीक तरह से देखना होगा, समझना होगा और उसके बाद जो है हम पिच रिपोर्ट आसानी से समझ सकते हैं। एक बार अगर आपने पिच रिपोर्ट समझ ली तो आप दोस्तों ग्रैंडली की टीम हो या फिर स्मॉलली की टीम हो, आपके 90% से ज़्यादा टीम जो है वो चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको पिच रिपोर्ट में ये पता चलेगा कि इस पिच पे पेसर्स चलेंगे या फिर स्पिनर्स चलेंगे। अब दोस्तों अगर हम बात करेंगे, थोड़ा पसीना आ रहा है, अब दोस्तों अगर हम बात करेंगे सबसे पहले पिच की, तो यहाँ पे देखा जाए द फ्लैट ट्रैक मतलब डेड पिच। देखिए दोस्तों, ये जो पिच होती है ये बैट्समैन का पैराडाइज जिसे कहा जाता है, जहाँ की भाई अगर देखा जाए तो बैट्समैन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और बैट्समैन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकता है। जनरली ये जो पिचेस होती है वो T20 में ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि IPL में भी आपको ये पिचेस देखने को मिलती है और IPL में बैटिंग पिच ही ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाती है ताकि एक बड़ा स्कोर और ज़्यादा से ज़्यादा 6 और 4 आपको देखने को मिले। तो ये पिच आपको पता होनी चाहिए जो कि होती है फ्लैट पिच। अब देखिए दोस्तों, इस पिच के जो मायने हैं ये भी बता देता हूँ। इन पिचेस पे ग्रास और मॉइस्चर नहीं होता है। अगर ग्रास होगा तो बॉलर्स को सपोर्ट मिलेगा, मॉइस्चर होगा तो बॉल हाथ से ग्रिप नहीं होगा, मतलब ग्रिप नहीं होगा, पकड़ना वो ढीला हो जाएगा थोड़ा सा, तो उससे बॉलर को दिक्कत होती है बॉलिंग करने में। तो मेरे हिसाब से इस पिच में जो है वो ग्रास और मॉइस्चर नहीं होता तो बैट्समैन को सपोर्ट मिलता है। उसके बाद बात करेंगे, इस तरह की पिचेस जो है बैट्समैन के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होती है। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, बैट्समैन को इस पिच पे जो है वो बाउंस प्रेडिक्ट कर सकता है। देखिए जनरली क्या होता है, जैसे कि कोई बाउंसर है, कोई बॉलर जो अच्छी तरह से बाउंस कर सकता है, तो देखिए जब फेस पे बॉल आता है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हाफ सेकंड के अंदर जो है उसे पुल शॉट करना है या फिर हुक करना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इस पिचेस पर क्या होता है कि जो बैट्समैन है वो पहले ही प्रेडिक्ट कर देता है कि इस पिच पे बाउंस कितना होगा और बाउंस ज़्यादा से ज़्यादा चेस्ट तक ही होता है, उसके नीचे होता है, ऊपर बाउंस नहीं होता है। ऐसे में पुल शॉट खेलने में बैट्समैन को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती और एक बड़ा स्कोर बन सकता है। उसके बाद बात करेंगे, इस तरह की पिचेस पर जो है बॉलर्स एक्चुअली जो पेसर्स होते हैं, स्पिनर होते हैं,
उनके लिए काफी ज्यादा बुरी होती है, और तरीके कोई बॉलर होते नहीं है, पेसर और स्पिनर ही होते हैं, तो वो जो होते हैं उनको काफी ज्यादा धुलाई होती है और उनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता। तो एक तरह से पेसर्स को, स्पिनर को, जो भी हो बॉलर्स, आपको बॉलर्स को नहीं लेना चाहिए ऐसे इस तरह की पिचेस पर। इस तरह की पिचेस पर आपको बड़ा स्कोर आसानी से देखने को मिलता है क्योंकि बैट्समैन को सपोर्ट मिलता है। उसके बाद ऐसे पिचेस आपको ज़्यादातर T20 और ODI में ही देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से मैं आपको पिच दिखा देता हूँ, ये पिच का फोटो है, आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। अगर ऐसी पिच आपको दिखती है डेड पिच, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे बैट्समैन को सपोर्ट मिलेगा। सेकंड पिच की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम कहते हैं इसे द ग्रीन ट्रैक, मतलब हरियाली वाली पिच होती है यहाँ पे। और ऐसे पिच पे अगर इवनिंग में मैच होता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है बॉलर्स को, क्योंकि बॉल ग्रिप नहीं होता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिर ड्यू के वजह से जो मॉइस्चर आता है ग्रास पे, तो उस तरह से बॉल भी गीला हो जाता है। अब यहाँ पे हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे ग्रीन ट्रैक किस तरह से हो सकता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो फास्ट बॉलर के लिए इसे स्वर्ग कहा जाता है, मतलब फास्ट बॉलर को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है इस पिच पे। वही अगर बात करेंगे दोस्तों, इन पिचेस पे जो होता है ग्रास होता है, ग्रास मतलब जो हम कहते हैं हिंदी में गवत होता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस पिचेस पर सीम बॉलर्स जैसे कि बुमराह हो गए, मोहम्मद शामी, इन सीम बॉलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। वही बात करेंगे इस तरह की पिचेस पर बैट्समैन और स्पिन बॉलर को ज़्यादा मदद नहीं मिलती, स्पिन बॉलर उतने नहीं चलते लेकिन सीमर्स चल सकते हैं। वही अगर बात करेंगे बैट्समैन इस तरह की पिच पर बाउंस प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं आपको जो ऊपर में पिच बताया है जो कि फ्लैट पिच है, डेड पिच, वहाँ पे बाउंसर जो है वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि बाउंसर इतना ही आएगा, इसके ऊपर नहीं आएगा। लेकिन ये जो पिच होती है ग्रीन ट्रैक, यहाँ पे बैट्समैन बाउंसर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि बाउंस जो है वो चेस तक आएगा या फिर ऊपर आएगा। तो ऐसे में जो पुल शॉट भी खेलते हैं तो कैच आउट होने के चांसेस जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं इस पिच पे। अगर हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इस तरह की पिच पे आपको लो स्कोर देखने को मिलता है, ज़्यादा हाई स्कोर इस पिच पे नहीं होता है। वही बात करेंगे ऐसे पिचेस आपको ज़्यादातर टेस्ट मैच में ही देखने को मिलती है। अब दोस्तों थर्ड नंबर की पिच की अगर बात करेंगे, जिसे कहते हैं हम डस्टी ट्रैक या फिर कहते हैं सॉफ्ट पिच। अब सॉफ्ट पिच का मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्पिनर्स को सपोर्ट मिलता है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखिए, यहाँ पे देखिए आपको जो तस्वीर में दिखाया गया है, ऐसे पिचेस में डस्ट होता है और बॉल जैसे ही पड़ता है वैसे वो टर्न ज़्यादा करता है, और इस वजह से देखा जाए तो स्पिनर्स को सपोर्ट मिलता है। इन पिचेस पे डस्ट होता है, हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकाल देते हैं। देखिए इस तरह की पिचेस पर बैट्समैन और बॉलर्स चलते हैं, ज़्यादातर देखा जाता है कि पेसर बॉलर से ज़्यादा स्पिनर्स को यहाँ पे विकेट्स मिलते हैं। बात करेंगे बैट्समैन इस तरह की पिचेस पर बाउंस प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर स्पिनर्स को सपोर्ट मिलेगा तो कभी कभी बॉल नीचे भी रह जाता है, कभी कभी बॉल ऊपर भी आता है। तो इस तरह की पिचेस ज़्यादातर स्पिनर्स को सपोर्ट करती है। उसके बाद बात करेंगे बैट्समैन इस तरह की पिचेस पर बाउंस प्रेडिक्ट कर सकता है, और सॉरी गाइस यहाँ पे जो है पिच पर बाउंस प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मैंने यहाँ पे गलती से लिख लिया कि बाउंस प्रेडिक्ट कर सकता है, एक्चुअली बाउंस प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि स्पिनर्स को सपोर्ट मिलता है। और वही अगर बात करेंगे बॉल कभी कभी नीचे रहता है उस वजह से, जैसे कि रविंद्र जडेजा, LBW के बारे में रविंद्र जडेजा काफ़ी ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण साबित होते हैं जब भी रविंद्र जडेजा बॉलिंग करते हैं, और ऐसी पिच पर अगर बॉलिंग करेंगे तो वो LBW कर ही सकते हैं। तो इस तरह से इस पिच पर जो बॉल थोड़ा बहुत नीचे भी रहता है। अगर हम बात करेंगे इस तरह की पिचेस पर आपको एवरेज स्कोर देखने को मिलता है, ज़्यादा स्कोर नहीं बनता है। एक तरह से T20 मैचेस हुए तो आपको 30-35 या फिर हो सकता है 140 तक आपको स्कोर देखने को मिल सकता है। ऐसे पिचेस पर आपको ज़्यादातर T20 और ODI मैचेस में भी देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों जो फोर्थ पिच होती है, जिसे हम कहते हैं बैलेंस पिच, न्यूट्रल पिच, ये पिच काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट इस पिच को जो है प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। कभी आपने देखा होगा IPL में या फिर किसी और मैचेस में आपने ये जरूर देखा होगा दोस्तों कि कहा जाता है कि इस पिच पे बैट्समैन चलेंगे लेकिन बॉलर चलते हैं हम, ऐसे में फिर जो पिच रिपोर्ट होती है वो गलत नहीं होती है। ऐसे में होता यह है कि बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, और जो हमें कहते हैं कि यहाँ पे इस मैच में बैट्समैन चलेंगे और विराट कोहली को ट्राई कर देते, लेकिन हो जाता है कि वहाँ पर जो है फिर कोई बॉलर विकेट निकाल लेता है। तो ऐसे में कॉमेंट्रेटर का यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है, पिच जो है वो अच्छी तरह से बिहेव नहीं करती, वो पिच ही अलग तरह से बन जाती है। देखिए इस तरह की पिचेस पे जो होते हैं ज़्यादा से बैट्समैन और बॉलर दोनों को भी सपोर्ट मिलता है। साथ ही साथ ये पिचेस अनप्रेडिक्टेबल होती है और सबसे ज़्यादा अलग तरह की होती है। अब दोस्तों ज़्यादातर देखा जाता है इस पिचेस पर ग्रास होता है और वेट और नमी देखने को मिलती है। देखिए ग्रास भी होता है इसलिए सीम बॉलर को सपोर्ट मिलता है, नमी होती है इसलिए बॉल जो होता है वो थोड़ा नीचे रहता है, ऐसे में LBW के चांसेस होते हैं। और बैट्समैन की अगर बात करेंगे तो बैट्समैन को सपोर्ट भी मिलता है तो कभी बॉलर्स को भी सपोर्ट मिलता है। और अगर देखा जाए तो सेकंड इनिंग में बैट्समैन को स्कोर करने का ज़्यादा मौका मिलता है। सेकंड इनिंग में पिच थोड़ी नॉर्मल हो जाती है, मतलब फर्स्ट इनिंग में जो है पिच वो थोड़ा बहुत स्लो होने के बाद, सेकंड इनिंग में स्लो होने के बाद जो होते हैं वो बैट्समैन को सपोर्ट मिलता है और बैट्समैन अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ज्यादातर 70% चांसेस में ऐसे देखा गया है।
अब दोस्तों ड्यू फैक्टर क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ड्यू फैक्टर का मतलब होता है ओस। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर हवा में ओस होती है तो क्रिकेट में इवनिंग के टाइम जो ओस होती है, जो बूंदे होती है, वो नीचे बैठ जाती है जमीन पे। और अगर ग्रास वाली पिच होगी, जैसे कि मैंने आपको ऊपर में बताया, तो ग्रास वाली पिच पे क्या होता है, वो जो ड्यू होता है वो जमा हो जाता है। जैसे ही बॉल पड़ता है वो एक तो सीम हो जाता है, जल्दी चला जाता है, या फिर ऐसे में बॉल अगर शॉर्ट खेले तो जल्दी ट्रैवल हो जाता है और बड़ा स्कोर बन जाता है। और बॉलर्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, जब वो बॉल ग्रिप करते हैं तो उनको काफ़ी बार पोंछना पड़ता है, और यही होता है ड्यू का फैक्टर। और ऐसे में बॉलर्स को सपोर्ट उतना नहीं मिलता, लेकिन बैट्समैन को सपोर्ट मिलता है, और बॉलर्स की लाइन और लेंथ काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है इस पिच पे। तो ये जो पिच होती है, सॉरी कि ये जो फैक्टर होता है ड्यू फैक्टर, बैट्समैन को ही ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट देता है दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि पिच रिपोर्ट आप किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे पिच रिपोर्ट आपको कैसे पता कर सकते हैं, कौन सी ऐसी ऐप है, वेबसाइट है। देखिए दोस्तों, अगर आपको पिच रिपोर्ट पता करनी है, जैसे कि मैं आपको हमेशा ही अपने हर वीडियो में बताता हूँ, मैं थोड़ा बहुत रिसर्च करके ही आपको बताता हूँ, तो आपको पिच रिपोर्ट अगर जाननी है तो लास्ट के 2 मैचेस का आपको रिकॉर्ड देखना होगा उसी पिच पे। जैसे कि चिदंबरम की पिच है, वानखेड़े की पिच है, शारजा की पिच है, या फिर दुबई की पिच है, उसके अकॉर्डिंग आपको लास्ट के 2 मैचेस का रिकॉर्ड देखना है, और देखना है कि इस पिच पे जो है वो बैट्समैन चले या फिर बॉलर्स चले। लास्ट के 3 मैचेस में आपको ये देखना होगा कि स्पिनर्स ने ज़्यादा विकेट निकाले या पेसर्स ने विकेट निकाले। ये सब कुछ मैं आपको अपने वीडियो में ऑलरेडी बता देता हूँ, तो आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरी वीडियो से ही देख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे IPL में मैच शुरू होने से 25 मिनट पहले भी आपको पिच रिपोर्ट पता चल जाती है, वो भी क्रिक बस पे। मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, क्रिक बस पे आपको जो है IPL में पता चल जाता है। लेकिन कभी कभी IPL के बाद जो जैसे बिग बैश लीग होता है, PSL होता है, BPL होता है, और वुमन के मैचेस होते हैं, तो वहाँ पे पिच रिपोर्ट उतना नहीं पता चलती है। तो ऐसे में बहुत से वेबसाइट है, आपको सिर्फ करना क्या है, पिच जो भी ग्राउंड का नाम है वो डालना है और उसके सामने लिखना है पिच रिपोर्ट गूगल पे, तो आपको पता चल जाएगा। इस तरह से आप पिच रिपोर्ट पता चल सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है आपके 1 लाइक से। और अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे जो बेल का आइकॉन, इस पर क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं कि नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। थोड़ा गला बैठ गए। मिलते हैं कि नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय।